हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा क्या बिल्ली के खरोच से रेबीज होने का संभावना रहता है। रेबीज के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो बिल्ली के थूक में होते हैं, उसका नाखून में भी थूक लग जाता है और इस कारण से उसके नाखून पे भी बैक्टीरिया जो है वो आ जाता है, क्योंकि थूक में बैक्टीरिया होता है और थूक अगर नाखून पे लग जाएगा तो नाखून में भी उसके बैक्टीरिया आ जाते हैं। और अगर उस समय जिस बिल्ली को रेबीज का इन्फेक्शन हुआ है, अगर ऐसा बिल्ली किसी को खरोच मार ले और ब्लड ना निकले तो फिर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ब्लड नहीं निकला तो फिर उसका थूक जो है वो आपके ब्लड से कांटेक्ट नहीं होगा और इस वजह से रेबीज का टेंशन नहीं है। लेकिन जिसको बिल्ली ने खरोच मारा और ब्लड निकल गया है तो उनको अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड के कांटेक्ट में उसका नाखून आ गया है तो क्या पता नाखून बिल्ली ने अपने मुंह में डाला हो खाते समय और उसका थूक जो है उसके नाखून पे लग गया हो। तो रेबीज का जितना भी बैक्टीरिया होता है वो बिल्ली के थूक में ही होता है, लेकिन उसका थूक बिल्ली के नाखून पे भी लगा हो सकता है, तो इसलिए रिस्क मत लीजिए। और अगर बिल्ली ने खरोच मारा है और ब्लड निकल गया है तो फिर जरूर आपको इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगर खरोच मारने के बाद ब्लड नहीं निकला है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।